हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे टॉक शो। और गाइस, आज जो हम हैं डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लैंड अप इन दुबई। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी दुबई में। इस व्लॉग के लिए गाइस बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था। बहुत सारे लोग मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ हेल्प मी आउट, मैं दुबई आके काम करना चाहता हूँ। बहुत अलग अलग मुल्क के लोग हैं, स्पेशली मेरे कंट्री के जो लोग हैं मुझे बहुत अप्रोच करते हैं। प्लस आज मेरे साथ हिलाल भाई भी हैं, सो ही इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन द रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड फ्रॉम पाकिस्तान इट्सेल्फ। तो वो भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप है, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर इट इज़ पाकिस्तान, और जो भी अलग मुल्क के लोग यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ ऐसी एडवाइस और ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि जिनको अगर आप अपने जहन में रखेंगे, उस एडवाइस को लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे पाएंगे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जिनके पास कोई ऐसी टेक्निकल एडवाइस नहीं है या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है इस फील्ड में। ओके, तो गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, स्पेशली सोलर सेक्टर में कैसे आपको दुबई में आके काम करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं मिस्टर हिलाल अहमद, ही इज़ ऑल्सो एन यू नो इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड स्पेशली डेडिकेटेडली वर्किंग इन द सोलर रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड इन दुबई। तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनकी स्पेशल एडवाइस है फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर गल्फ कंट्रीज, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाय हिलाल दिस साइड, सबसे पहले तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप दुबई में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको आपको करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले यही है कि आफ्टर इंजीनियरिंग आपको कम से कम दुबई आने से पहले अपने होम कंट्री में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका प्लस पॉइंट यही रहेगा क्योंकि इधर जितना भी कंपनीज है वो रनिंग मूड में होता है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा प्रैक्टिकल काम का, तो आपको ट्रेनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि आप कम से कम 1 से 2 साल तक अपने होम कंट्री का एक्सपीरियंस ले। अगर आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस दुबई में एंटर होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम यही होगा कि आप किधर भी इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इंटरव्यू में आप नॉकआउट होएगा, क्योंकि उधर आपका बुक नॉलेज नहीं देखता है, उधर पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखता है। तो इस वजह से अगर आप इंजीनियरिंग के बाद 1-2 साल तक अपने कंट्री में एक्सपीरियंस कर ले, तो इधर इंटरव्यू में भी पास होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप विजिट वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं या अपने कंट्री के जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Without experience there is no opportunity. Guys, अगर आप फिर दुबई में अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी वाइज। तो सैलरी वाइज हिलाल भाई, प्लस पॉइंट क्या है दुबई में काम करने का? सबसे पहले तो टैक्स फ्री इनकम है, और एज पर यूएई लॉ आपको हर कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन देगा। तो गाइज़, ये कुछ वैल्यूबल एडवाइस थी जो अभी आपने हिलाल भाई ने आपके साथ अभी शेयर की, कि जस्ट इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई में आ रहे हो, तो जो एक टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है, एक टेक्निकल नॉलेज होती है, वो आपके पास बहुत ज़रूरी है, रैदर देन आप सिर्फ डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डायरेक्टली आप दुबई में अगर आप अप्लाई कर रहे हो कंपनीज़ में कि नहीं नाउ आई एम रेडी बेस एज़ पर माई बुकिश नॉलेज, तो वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला। गाइस, जैसा कि हिलाल भाई ने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितनी भी कंपनी है यहाँ पर है, दे आर ऑलरेडी इन ऑपरेशनल मोड, रनिंग मोड में है, तो कोई भी कंपनी यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने का, इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं उठाती है। वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर आप अपने होम कंट्री से आ रहे हो, तो ऑलरेडी आपके पास एक वैलिड और एक सॉलिड कोर एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, आप अपने उसमें काम कर चुके हो, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सोलर फील्ड ओनली। जब ये वीडियो स्पेसिफिकली हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड के लिए ही बना रहे हैं, वी बोथ आर इंजीनियर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड, तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर आप दुबई आ रहे हो, वेदर इट इज़ पाकिस्तान और वेदर इट इज़ फ्रॉम इंडिया, तो आपके पास एक बेसिक से मैं कहूँगा अबव एवरेज एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इंस्टॉलेशन का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, और क्या क्या इसके टेक्निकल पैरामीटर्स हुए हैं, तब जाके आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपका बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं।
गाइस जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट इन केस यू हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और आइदर यू हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम वेदर इट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप अपने होम कंट्री से दुबई आना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं। अब विजिट वीज़ा जो होता है आपका 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। तो जो लोग विजिट वीज़ा पे होते हैं इंजीनियर्स, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत पहले से ही नेट पे रिसर्च कर लेते हैं कि ठीक है दुबई में लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं और जितनी भी है रनिंग मोड में कंपनी रहती है उनको ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि भाई हम विजिट वीज़ा पे आए हैं और अगर वो कंपनी हमको बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेती है तो वो हमें आ रहे जो वीज़ा को है स्पॉन्सर कर देती है। तो आपका जो विजिट वीज़ा है ऑलरेडी फिर दुबई के रेजिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है कंपनी के थ्रू, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी दुबई में रजिस्टर्ड है तो उसके पास वो सारे लाइसेंस होते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है, जो हिलाल भाई ने पहले भी बताया था कि वो सेफ नहीं है, अगर आप अपने होम कंट्री के किसी जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू आते हो, तो अगर आप जॉब कंसल्टेंसी पे भरोसा करते हो देन ओनली गो फॉर जॉब कंसल्टेंसी। क्यों हिलाल भाई, सही कह रहा हूँ? करेक्ट। इसमें होता क्या है कि वो बताते कुछ और हैं और जब आप इतनी दूर आप दुबई तक आ जाते हो तो होता आपके साथ कुछ और है। तो इट इज़ बेटर कि जब इंटरनेट फ्री है तो आप उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, नेट पे रिसर्च करो, रादर देन जॉब कंसल्टेंसी पे डिपेंड होने से अच्छा है जो कंपनियां ऑलरेडी दुबई में ऑपरेट कर रही हैं उनके बारे में आप नेट पे रिसर्च करो, उनको डायरेक्टली अप्लाई करो कि मैं अपने होम कंट्री में ये काम कर चुका हूं और आप भी इस फील्ड में हैं और मुझे भी अच्छी नॉलेज है, तो इफ़ यू आर रेडी टू स्पॉन्सर माई वीज़ा आई कैन ट्रैवल टू दुबई एंड आई कैन वर्क फॉर यू। तो ये भी कर सकते हो। जो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके काम करने का, जस्ट इन केस मैं आपको अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, माई कंपनी इज़ एन मल्टीनेशनल कंपनी विच इज़ ऑलरेडी बेस्ड इन अक्रॉस मैनी कंट्रीज़। तो मैं ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहा था, सो सडनली मैनी प्रोजेक्ट्स लैंडेड अप इन दुबई, सो आई वॉज कम्प्लीटली नॉमिनेटेड टू मूव फ्रॉम न्यू डेली टू दुबई इट्सेल्फ। तो ये सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है जिसमें देर इज़ नो यू नो हिडन प्रोसेस और मतलब कोई भी टेंशन नहीं रहता कि यार वहाँ जाके क्या होगा। सो माई कम्प्लीट जर्नी वॉज स्पॉन्सर्ड बाय माई कंपनी। तो ये बेस्ट तरीका है, लेकिन ये तभी होता है वेन यू आर वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल कंपनी। तो इसके पहले मैंने आपको दो तरीके और भी बता दिए, आप विजिट वीज़ा पे भी आके कर सकते हो, दूसरा अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू गाइडेंस लेके आ सकते हो। एक जो सबसे बड़ा की फैक्टर जो मैं आपको बता दूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर डिग्री और डिप्लोमा का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। होता क्या है, अगर आप विजिट वीज़ा पे भी आते हो तो विजिट वीज़ा में अगर आपका किसी कंपनी में हो जाता है तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन ऑफिसेज रहते हैं या कंसल्टेंसी है जहाँ पे आपको अपने कंट्री का होमलैंड जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है और वो लोग क्या करते हैं एम्बेसी के थ्रू उसको वेरीफाई कराते हैं कि वेदर आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि यू आर जस्ट ब्रैगिंग और फेकिंग इट कि नहीं मैं इंजीनियर हूँ मैं काम कर रखा हूँ। तो उसका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुबई में जो लॉज स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। तो आपको इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना है। अगर आप फ्रेशर हो और आपका किसी एक दो सब्जेक्ट में बैक है, आप फेल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई पेपर क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस तो यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीका जैसा कि हिलाल भाई ने बताया, आप अपने होम कंट्री में आप अच्छा खासा कोर एक्सपीरियंस लो और यहाँ पे आने से पहले आप किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंसल्टेंसी या जो एम्बेसी है उसको आप अपने होम कंट्री में अप्रोच करो कि नाउ आई वांट टू यू नो वर्क इन दुबई। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं आपको हेल्प मिल जाएगी, वो क्या करते हैं ऑनलाइन भी ये प्रोसेस है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने पड़ते हैं और वो लोग एम्बेसी के थ्रू स्टेट नोडल एजेंसी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर रखी है आपको डिग्री मिली है वहाँ से उसको अप्रूव करवाते हैं और उसका अरेबिक में ट्रांसलेशन आपको मिलता है जो यहाँ के एम्बेसी में आके आपको फिर मदद करता है। क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए गाइज आपको चाहिए होते हैं एक एमिरेट्स आईडी, वो एमिरेट्स आईडी आपको तभी इशू होती है जब आपकी डिग्री और आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वेदर यो पासपोर्ट वीज़ा और होम कंट्री के जितने भी डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर रहता है तभी वो आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है। विदाउट एमिरेट्स आईडी आप दुबई में काम कहीं भी नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलता, ओनली एमिरेट्स आईडी इज वैल्यूएबल। अब गाइस सबसे मेन चीज मैं बता दूं सैलरी के बारे में आपको बता देता हूं। तो दुबई में जॉब करने का प्लस पॉइंट एक ये भी है कि एज कम्पेयर टू होम कंट्री आपको 2-3 टाइम पैकेज एक्स्ट्रा मिलता है।
वो भी टैक्स फ्री। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि हिलाल भाई ने बताया कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ की जो इकनॉमी है इट इज़ अ टैक्स फ्री इकनॉमी, मतलब जो भी आपको सैलरी मिलती है कुछ भी डिडक्ट नहीं होता। जस्ट इन केस अगर आप हमारे होमलैंड कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे टैक्सेस कट जाते हैं, तो जो सैलरी हमें मेंशनड रहती है हमारे सैलरी स्ट्रक्चर में वो हमें ना मिलके कुछ एक इन हैंड का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो चीज़ नहीं है। जो यहाँ पे सैलरी आपको प्रॉमिस होती है वो पूरी की पूरी आपको मिलती है, बिकॉज दिस इज़ अ टैक्स फ्री इकोनॉमी, कुछ भी टैक्स नहीं कटता, तो आपको और पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। प्लस सैलरी भी एज़ कम्पेयर टू आवर होम कंट्री यहाँ पे आपको 3 to 4 times सैलरी आपको मिलती है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मैं बेस्ड ऑन योर डिग्री नहीं बता रहा हूँ गाइज, यहाँ पे आपको डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। दुबई में सिर्फ और सिर्फ वही बंदे काम करते हैं जो अपने फील्ड में अपने एज पर देयर नॉलेज एंड स्किल्ड वो सबसे स्किल्ड होते हैं, वही लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और वही लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आके टैक्स फ्री इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना है और 3 to 4 times सैलरी उठाना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करोगे अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी नॉलेज डेवलपमेंट में और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में। कुछ बेसिक आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, जस्ट इन केस इफ यू आर अ 1 year एक्सपीरियंस होल्डर इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर, और अगर आप आके दुबई में आपको जॉब लग जाता है और आप जॉब स्टार्ट करते हो, तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है अराउंड 5,000 to 6,000 विच इज़ अराउंड 1 lakh, मोर देन 1 lakh INR इन इंडिया। तो लेकिन अगर जस्ट इन केस आपका एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहता है और यू आर हाईली कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो आपकी सैलरी और भी बढ़ जाती है। प्लस यहाँ का भी आप एक्सपीरियंस काउंट कर लो, 1 साल और आप कर लो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है जस्ट इन केस, जैसे हिलाल भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने भी अप्लाई कर रखा है, मुझे भी मिलेगा, तो जस्ट इन केस यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपकी मार्केट में वैल्यू और भी बढ़ सकती है। तो आप मतलब यहाँ पे बेइंतहा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको की पॉइंट फिर से बता देता हूँ, आपको दुबई तभी आना है व्हेन यू आर एन एक्सपीरियंस्ड गाय, आपके पास है अच्छा खासा कोर एक्सपीरियंस जो कि आप किसी को बता सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो कि दैट यस आई एम केपेबल इनफ टू रिप्रेजेंट एट दिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और ये मेरी डिग्री है, डिग्री को आपको अटेस्ट करवाना है स्टेट नोडल एजेंसी एंड एम्बेसी के थ्रू। बहुत सारी कंसल्टेंसी है, बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बेस्ट तरीका तो ये है दैट यू ज्वाइन एन मल्टीनेशनल कंपनी इन योर होम कंट्री जस्ट लाइक माइन, जो आपको ऐसा नॉमिनेट कर दे और आपको ऐसा इंटरनेशनल भेज दे काम के लिए, दैट विल बी द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे। लेकिन फिर भी आप विजिट वीज़ा पे भी आके अपना ट्राई कर सकते हो जस्ट इन केस अगर आपके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि हिलाल भाई ने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आफ्टर द पेंडेमिक आपको यहाँ पे तभी आना है जब आप एक अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस हो। और सोलर का मैं आपको बता दूं, सोलर का द मार्केट इट इज़ अ बूमिंग एंड अनटैप्ड मार्केट इन दुबई। तो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सोलर में एंड कॉन्फिडेंट भी हो आप एंड यू आर रेडी टू यू नो रिप्रेजेंट योर सेल्फ एट अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, देन डेफिनेटली दुबई इज़ द प्लेस टू लैंड अप एंड स्टार्ट योर करियर गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैंने और हिलाल भाई ने अपने इंजीनियर भाइयों के लिए बनाया था, वेदर इट इज़ इंडिया वेदर इट इज़ पाकिस्तान, दोनों मुल्क के जो भी इंजीनियर्स हैं जो क्वेश्चन करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली हमसे, मुझसे हो गए या हिलाल भाई से, कि भाई आप प्लीज़ हमें गाइड करिए, आप हमारे होम कंट्री से हो वेदर इट इज़ पाकिस्तान हो इंडिया, आप हमारी दुबई पहुँचने तक की आप हेल्प करो। तो ये वीडियो इसलिए हम लोग ने उनको बनाया ताकि सभी लोग कॉमनली इस वीडियो को देख पाएँ और जो उनके छोटे छोटे डाउट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली आपको ऐसे अप्रोच कर देते हैं कि सर मैंने तो ख़त्म कर लिया है अपना बीटेक कॉलेज इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर लिया, मैं दुबई में काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं होता अप्लाई करने का। जो भी चीज़ हमने आपको पॉइंट्स बताए प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा, और हम तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तक। लेकिन बेटर ये है कि जो भी पॉइंट्स हमने आपको बताया है उसको आप गूगल पे सर्च करने की कोशिश करिए, बहुत सारी कंसल्टेंसी है आपको फ्री में एडवाइस भी देती है, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप टेंशन में फंस रहे हो, तो यू कैन गो इनसाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, और सोलर रिलेटेड O&M रिलेटेड जॉब्स के बारे में आप और भी जानना चाहते हो तो ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो, और अगर आप मुझ तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हो सो यू कैन गो इनसाइड द डिस्क्रिप्शन, और आप मेरे तक लिंक्डइन पे भी पहुंच सकते हो, आप हिलाल भाई के भी लिंक्डइन पे पहुंच सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के चैट बॉक्स में रिलेटेड टू योर जॉब रिलेटेड क्वेरीज। तो हमसे जितना भी हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपकी हेल्प तभी होगी जब आप अपने आप की खुद हेल्प करना चाहोगे।
तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस एंड अ फ्री टैक्स इकोनॉमी जहाँ पे आप काम करना चाहोगे. एज़ पर आवर एक्सपीरियंस इट इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. जो भी काम यहाँ पे होता है अच्छे से प्रोसीजर वाइज होता है, विद प्रॉपर वर्क परमिट एंड विद प्रॉपर प्लानिंग होता है. सो इफ़ यू आर एन इंजीनियर, अगर आप कोई क्वालिटी काम ढूंढ रहे हो, देन डेफिनेटली दुबई इज़ द प्लेस यू वॉन्ट टू वर्क गाइज. सो आई होप ये वीडियो गाइज काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो लोग मतलब दुबई में काम करना चाहते हैं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स हिलाल भाई फॉर शेयरिंग हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. थैंक यू हिलाल भाई. और ये वीडियो फिर यहीं पे गाइज एंड करते हैं. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप कमेंट करो. फ्यूचर में भी मैं और हिलाल भाई इस पे आपकी रिक्वेस्ट पे फर्दर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके बताओ, तो हम उन सब चीज़ को कलेक्ट करके एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. तो अभी के लिए गाइज फिर वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिर वापस लौटेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़.